नमस्कार। इस कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी सहकर्मियों का स्वागत है। हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि संस्थान के द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में नरका दक्षिणी दिल्ली एक के कई कार्यालयों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं। उन सभी अधिकारीगण का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की ओर से इस तरह का आभासी कार्यक्रम जो CSIR की प्रयोगशालाओं और नराकास के कार्यालयों के लिए संयुक्त रूप से एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम इसे आयोजित कर रहे हैं, इसलिए सभी हमारे जितने भी इस कार्यक्रम में सहभागी जुड़ रहे हैं सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और क्योंकि CSIR की प्रयोगशालाओं जो हमारे देश की विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं, उन कार्यशालाओं के का प्रयोगशालाओं के प्रतिनिधि भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और इसी स्वागत वचन के साथ मैं आपको संक्षिप्त रूपरेखा बता दूं आज के कार्यक्रम की। जब इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था तो कुछ मित्रों का मेरे पास एक प्रश्न आया कि इस ऐसे कार्यक्रम की आयोजन की क्या आवश्यकता है या क्या उपयोगिता है, क्योंकि इसमें नराकास के अलग अलग कार्यालय के जुड़े हुए हैं और सबका जो कार्य है वो बहुत अलग अलग प्रकृति का है। हमारे इसी तरह से जो CSIR की अलग प्रयोगशालाएं हैं उनके भी कार्य की प्रकृति बिल्कुल भिन्न है एक दूसरे से, तो स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठना बहुत नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। जैसा कि हम सभी देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, जब हम सड़कों पर जाते हैं, अपनी यात्रा करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें हमारे दिमाग में आती हैं और समस्याएं हमें झेलनी पड़ती हैं। उन समस्याओं से के संदर्भ में हमारा क्या कर्तव्य हो सकता है, सरकार किस तरह से उनको सुलझाने में प्रयासरत है, और भारत सरकार के जो विभिन्न संस्थान हैं, संगठन हैं, अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं, वो क्या कार्रवाई कर रही हैं या क्या कार्य कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उन्हीं सबको एक बहुत कैप्सूल रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। तो जैसा ये बहुत स्पष्ट है कि सड़क सुरक्षा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन की रक्षा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस विषय पर बात करना, इस विषय पर अपनी जानकारी बढ़ाना और सबसे बढ़कर सरकार को दोष देने या अन्य जो कार्यान्वयन एजेंसियां हैं उन पे कुछ दोषारोपण करने की बजाय हम सबसे पहले ये जान लें कि हमारा कर्तव्य क्या है। जब हम सड़क पर चलें तो जो संबंधित नियम हैं, कानून हैं और सरकार की ओर से जो इसको यातायात को नियंत्रित करने के लिए साधन हैं, उपकरण बनाए गए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमारी जानकारी बढ़े और हम एक सतर्क सावधान नागरिक के रूप में अपने सड़कों पर चलें। कुछ इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आपको एक बहुत मतलब उपयोगी जानकारी देना चाहूंगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र महासभा, इस तरह के वैश्विक जो संगठन हैं, वे भी अपने अपने स्तर पर इस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं ताकि सड़क पर सुरक्षा बढ़ाई जा सके, यातायात अधिक सुगम हो सके और हम जो नागरिक हैं या फिर जो विश्व के हमारे मानव जाति है वो अधिक सुरक्षित यात्रा कर सके और उनका जीवन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हमारे देश की बात करें तो पहले आप सभी जानते हैं कि जनवरी का जो महीना होता है, साल का पहला महीना ही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और इसे लेकिन जो गंभीरता आ रही है सड़क दुर्घटनाओं के रूप में, मौतों के रूप में, तो जहां पे एक बार UN ने इसको 2020 तक का दशक सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई के दशक के रूप में घोषित किया, बहुत कुछ काम हुआ पूरे दुनिया में, तो हमारे भारत सरकार ने इसे देखते हुए कुछ नए अधिनियम भी बनाए। आप सभी इस बात से परिचित हैं और मोटर वाहन अधिनियम पिछले साल ही कार्यान्वित किया गया, लागू हुआ,
इसी के साथ साथ जो इस वर्ष का अगर हम थोड़ा सा संदर्भ लें तो ये वर्ष जनवरी 17 से 18 जनवरी से और 17 फरवरी तक का जो हमारी अवधि थी उसे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया गया। इसी बात से आप इस विषय की गंभीरता को समझ सकते हैं और हमारे लिए विषय के बारे में जागरूक होना कितना जरूरी है इसके महत्व को समझ सकते हैं। थोड़ी सी इन्हीं संक्षिप्त रूपरेखा के साथ मैं अब आपको आपका परिचय करवाना चाहूंगा हमारे आज के विशेषज्ञ और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के बहुत ही वरिष्ठ वैज्ञानिक, हालांकि वो हिंदी भाषी नहीं है तो आप उनको उनकी बात को जरूर समझ लेंगे क्योंकि उनकी हिंदी में एक अलग मिठास है और क्योंकि विशेषज्ञ हैं अपने विषय के और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस फील्ड में। तो मैं सीधे अब उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय पर जानकारी दें और इसके पश्चात हम एक शंका समाधान का सत्र भी रखेंगे। डॉक्टर ए मोहन राव। या धन्यवाद संजय जी, पहले मैं मेरा प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं। क्या मेरा प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल। क्या नेक्स्ट स्लाइड? ये हाँ दिखाई दे रहा सब। धन्यवाद संजय जी। जैसा आज का मुद्दा है सड़क सुरक्षा के बारे में, उससे पहले मैं डॉक्टर मोहन राव हूँ। जैसा संजय ने बताया मैंने अन्य हिंदी भाषा क्षेत्र का हूँ, अगर मेरा भाषा में कुछ ऊंच नीच हो गए तो कृपया मुझे क्षमा करें एंड मेरा भावना को समझ लीजिए एंड सभी मेरा साथी जो मेरा संस्था से मेरा साथी है कोलीग्स और CRRI से जितना लोग जुड़ा है ऑनलाइन इस मुद्दे के लिए एंड और CSR अदर लेबोरेटरी से जुड़ा है कुछ लोग और अदर ऑर्गेनाइजेशन कुछ अन्य ऑर्गेनाइजेशन भी इसके साथ जुड़ा है, आप सबको सादर प्रणाम। इसके साथ जो आज का मुद्दा हमने जनरल सेलेक्ट किया सबके लिए जो काम का मुद्दा है वो सेलेक्ट किया वो है यातायात निरंतरण नियंत्रण उपकरण एवं सुरक्षा के संबंधित में, मतलब जब हर आदमी सड़क के ऊपर चलता है वो पैदल हो वाहन चलाते वक्त हो किसी ना किसी टाइम पे सड़क के ऊपर आना अनिवार्य है, बट जैसा उस आने में क्या क्या नियम होता है उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी करते हैं। इस ये जो आज ये प्रेजेंटेशन जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इसमें मेरा साथी दो लोग वो लोग का भी योगदान इसमें है, वो एक है कामिनी गुप्ता, वो भी वो हमारा डिवीजन में मेरे साथ काम करते हैं एंड दूसरा एक मुकेश कुमार, ये एक यंग नया डायनामिक पर्सन है वो रिसेंटली हमारा डिवीजन में ज्वाइन किया। इन दो लोग भी जितना मेरा योगदान है वो सब वो दो भी इस प्रेजेंटेशन को बनाने में वो लोग मुझे सहायता किया और हम तीनों का ये है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा संजय ने बताया क्योंकि सड़क के बारे में सड़क तो अच्छा बनना चाहिए ताकि ये लोग एक जगह से दूसरा जगह जाना है। अब तो आप देखा होगा पहले एक बहुत दूरी जाना है तो इधर वो लोग ट्रेन से जाते थे नहीं तो फ्लाइट से जाते थे, बट अभी क्या हुआ सड़क भी उतना ही दूर है, अगर 500-1000 किलोमीटर भी जाना है तो सड़क भी लोग सोच रहे हैं सड़क पे जाने के लिए। वो क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि सड़क ने गति बढ़ा दिया, वाहनों का गति बहुत बढ़ा दिया, पहले यहाँ से दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए और सड़क सोचते नहीं थे, बट आज इतना अच्छा एक्सप्रेस वे बन गया क्योंकि हम सड़क का द्वारा भी जाने का हम सोच रहे। तो इसी में क्या हो गया जैसा गति बढ़ा
तो रोड दुर्घटना भी बढ़ रहे, और जैसा हर साल में वो 1.5 लाख से ऊपर लोग मर रहे हैं इस सड़क दुर्घटना से, क्योंकि जैसा वो एजेंसी भी कुछ काम करना है उसको कम करने के लिए, वाहन में भी कुछ काम करना है, मतलब वो गाड़ी भी बदलना है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड एज ए रोड यूजर, मतलब मैं सड़क को इस्तेमाल करना है आदमी, मुझे भी कुछ कर्तव्य बनता है उसको सड़क में जो भी लगाया, जैसा जाने के लिए लगाया उसको भी मुझे समझना है एंड उसका पालन भी करना है, क्योंकि जैसा वही है वो जब आप सड़क पे जाते वक्त वो कंट्रोल कौन, यातायात नियंत्रण कौन करेगा, वहां पे कुछ सड़क संकेत होता है उसको तो अंग्रेज में रोड साइंस बोलते हैं, संकेत है, उसके द्वारा आपको कुछ प्रयास किया जाता है, जो इंजीनियर हो ना तो वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो, कुछ आपको कुछ संकेत देता है, उसको हम समझना पहले उसको पालन करना है, वो संकेत क्या है हम वो इसमें डिस्कस करेंगे अच्छे तरह से। एंड दूसरा एक है, क्योंकि ये सड़क संकेत जो है अगर साइन है वो एक ही जगह पे आपको कुछ विषय बताने को कोशिश करेंगे, बट सड़क तो लंबाई है तो उसको कुछ चीज आपको बार बार याद करना पड़ेगा, मतलब कुछ नियम ऐसे होते हैं आपको हमेशा, मतलब चलाते वक्त हमेशा करना, उसके लिए रोड निशान, मतलब उसको रोड मार्किंग भी होता है, उसको उसके द्वारा भी कुछ संकेत कुछ मैसेज देना है, वो भी हम देख लेंगे उसके, क्योंकि सड़क पे लोग सुबह चलता है शाम को चलता है, बट कुछ चीज जैसा साइन है मार्किंग हो उसको सुबह दिखता है, रात को दिखने का क्षमता थोड़ा कम है, उसको मिटाने के लिए रोड स्टड्स, ये स्टड्स मतलब वो ऐसी चीज है वो रात में चमकता है, इसमें दो तरीका होता है, एक तो अपने आप चमकता है, दूसरा एक जैसा हमारा गाड़ी का चमक उसके ऊपर गिरने से वो चमकता है, वो एक सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्टड्स होता है, दूसरा है उसको इट इज ओनली रिट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप स्टड्स। इन तीन चीज के बारे में मैं आपको थोड़ा इन डिटेल मतलब विस्तार में हम इसका चर्चा करेंगे। जैसा आपको हर चीज है कानून होता है, जो हमारा देश में हर चीज का एक कानून है, उसके हिसाब से अगर हर बंदा चलना है, अगर ये कानून है कोई बंदा उसको पालन नहीं कर रहा है तो उसको शिक्षित भी होता है, मतलब वो पहले वो कानून होना है उसके बाद अगर आप पालन नहीं कर रहे तो आपको वो पुलिस आके उसको आपके ऊपर जुर्माना ये करेंगे। इसका ये है मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर वाहनों का अधिनियम उसका मोटर व्हीकल एक्ट, ये अधिनियम पहली बार ये 1998 में बनाया, उसके बाद क्योंकि कई सारा बदलाव हुआ है उसको नया चीज भी आया है उसको जोड़ने के लिए, 2 साल पहले उसको वो सेम नियम को कुछ जोड़ा है कुछ चेंज किया है उसको 2019 में वो चेंज हुआ था, अभी हमारा जो नियम है 2019 का, तो इसी नियम के अनुसार वो जो 18 साल वाला ऊपर से ड्राइविंग नहीं करना नहीं तो हम ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, वाहनों का फिटनेस है, इस विषय ये अधिनियम सबके बारे में बात करते हैं, उसमें मैं कुछ चीज जैसा रोड साइंस मार्किंग का धाराएं बताता हूँ, क्योंकि इसमें एक धारा है 116, इसी धारा के हिसाब से ही वो सड़क पे वो हर चिन्ह लगता है, मतलब वो ये धारा जिस एजेंसी जो बना रहे उसको अधिकार देता है सड़क के ऊपर आप ये साइन लगा दो, ठीक है, ये धारा, इसी धारा को प्रयोजित करते कि वो लोग जो एजेंसीज जो आपने देखा होगा म्यूनिसिपालिटी लोग क्या करते हैं, ऑल साइन बोर्ड, जो साइन बोर्ड मतलब आपको जानकारी देना है, जानकारी मतलब केवल यातायात का जानकारी ही देना है, ऐसा नहीं मेरा स्कूल यहाँ पे है नहीं तो मेरा ये कोचिंग सेंटर है, वो नहीं होता, सड़क पे जो जाने का जो साइन है वो ओनली यातायात के बारे में देने वाला ही रखना है, इस नियम को करते ही म्यूनिसिपालिटीज वो साइन बोर्ड जो अन्य साइन बोर्ड को वो अटाता है, दिस सेक्शन।
एंड दूसरा ये कि 112 इसको गति सीमा, गति की सीमा आपने देखा होगा जैसा दिल्ली में तो 50 50 40 नहीं तो 60 40 वैसे हर जगह पे आपको देखने को मिलता है, मतलब आप कौन सा आपका गाड़ी कौन सा गति में जाना है। वो लोग इस अधिकार को लेते हुए वहां पे छीन लगाया, ठीक है, इसका वो अधिकार देते हैं। एंड 115 जो अधिकार ये है वाहनों को आयोग के प्रतिबिंब करने का, मतलब कुछ चीज कुछ वाहन कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शन करने का। आपने देखा होगा 8 बजे के बाद ट्रक्स यहाँ सिटी के अंदर आना नहीं है, नहीं तो इस पे ओनली मोटर व्हीकल ही जाएगा, इस पे भारी वाहन नहीं जाना है। इवन कहीं आप देख रहे होंगे इस लेन पे केवल भारी वाहन ही जाना है, और दिल्ली में तो बसेस लेफ्ट जाना है। ये सब चीज जो इस सेक्शन बात करते हैं, मतलब जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कर रहे इस सेक्शन के द्वारा वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये मुझे कहने का अर्थ ये है, अगर आप उसका पालन नहीं कर रहे आपके ऊपर सख्त कार्रवाई होगा, क्योंकि ये प्राविधान उसको आपने बताया, अगर ये भी बताया जो भी बंदा पालन नहीं कर रहे तो उसको कानून के हिसाब से उनको कितना पैसा लेना है, कितना जेल करना है, वो सब कुछ है। उसके बाद जैसे 119 ये कहते हैं आपके पास अगर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, नहीं है तो भी आपको इन सारा संकेतों को पालन करना अनिवार्य है। मतलब अगर पालन नहीं कर रहे तो फिर उसके ऊपर आपका जुर्माना होने का है। बट ये मोटर व्हीकल एक्ट ये भी बोलता है जितना भी मैंडेटरी साइन, मैं आता हूँ मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी साइंस जो है उसको पालन करना अनिवार्य है। जैसे कि जैसे स्पीड लिमिट, गति का जो नियंत्रण करने का अगर ट्रैफिक पुलिस ने बताया 40, वो वाला साइन आपको गोलाकार होता है, बट सेक्शन बोलता है जितना भी गोलाकार साइंस जो भी बंदा पालन नहीं कर रहा तो उन सबके ऊपर चालान नहीं तो सख्त कार्रवाई करने का अधिकार देता है। फिलहाल अभी ओनली केवल वो एजेंसी केवल एक ही साइन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि इवन दिल्ली में आप देखे तो लेन क्रॉसिंग का भी वो भी कर रहे हैं। बट कुछ पाश्चात्य देश में क्या है, अगर स्टॉप साइन है रुकने का साइन लगा दिया तो उसके सामने आपका गाड़ी पूरी तरीके से रुकना है, मतलब पहिया पूरा रुकना है, स्टॉप होना है, वो भी वो लोग यूज कर रहे हैं। बट जैसा जैसा अगर सेफ्टी का सुरक्षा का बढ़ते जाएंगे वो ये साइन नंबर बढ़ेगा एंड सख्त कार्रवाई होने का चांसेस आर ग्रेट। मतलब जो भी साइन से हम उसको पालन करना ये अनिवार्य है ला के हिसाब से। जैसा ठीक है, क्योंकि तो सड़क पे हम संकेत क्यों लगाते हैं, उसमें तो ये तो एक कोड है, मतलब इंडिया में इंडियन रोड कांग्रेस है, वो लोग बताते हैं गाइडलाइंस, मतलब आपको क्या करना कैसा, उसी में से मैं लिया हूँ। और वो मैं एक्चुअली वो सड़क पे साइन मतलब वो संकेत लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है नियमों से सूचित करना, मतलब आपको जैसे जैसे आपको वहां पे एक गति कम करो, गति धीमी करो, मतलब मैं वहां खड़ा होके तो नहीं बात कर सकता, वैसी कोई मैसेज है तो उसको वाहन चालक को देने के लिए मतलब नियमों का सूचित करना, जैसा यहाँ पे वाहन खड़ा नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पे केवल इसी तरह का गाड़ी जाएगा, ये ऐसी वाला चीज करने के लिए ये सड़क संकेत इस्तेमाल करते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ही आपको सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा इसलिए क्योंकि अगर आपने मेरा सड़क मैंने 80 का गति का मैंने डिजाइन किया सारा कर दिया, अगर उसमें आप 90-100 पे गए तो दुर्घटना होगा ही होगा, क्योंकि मुझे बताना जरूरी है ताकि अगर मैंने बता दिया तो आप कम करेंगे उससे सुरक्षित और बढ़ेगा। ये दूसरा है
कुशल चालकों को, क्योंकि ये एक जैसा ही होना, क्योंकि जैसा आपने अगर NH7 लिया, ये तो एकदम पूरा देश का ऊपर से नीचे तक जाएगा। अगर आप NH2 लिया, नेशनल हाईवे नंबर 2 लिया, एक लेफ्ट से राइट तक जाएगा, उस पर बहुत, क्योंकि हमारे देश में कई सारा भाषा है, क्योंकि उन सबको एक ही मैसेज जाना है, वो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा ही होना, इसलिए ये साइंस एक पालन के हिसाब से होना जरूर है, दैट इज वन। एंड सड़कों सभी इन सब का साइन लगाने का मतलब ये है, मतलब हम सुरक्षा सही सलामत घर जाने का। एंड इसको कुछ संकेतों को प्रिंसिपल्स भी है, ऑफ कोर्स ये प्रिंसिपल्स है ये इंजीनियर्स के लिए, बट इसमें वो सारा, मैं तो अभी वो सारा प्रिंसिपल्स यहाँ पे डिस्कस करना अनिवार्य नहीं है। मैं एक 4 नंबर का ले रहा हूँ, 4 नंबर का ये यूजर के बारे में, क्योंकि सड़क आयोजक में समस्त प्रश्न कारण करना, मतलब हमने उसका पालन करना जरूरी है, जैसा कि वो भी आपसे उम्मीद करते, वो साइन लगा के, जैसा मैंने 40 का साइन लगा दिया, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, और मैं एजेंसी हो ना, तो मेरा साइन बोर्ड लगाने वाला हो ना, तो चालन करने वाला अधिकार हो, क्योंकि उसको आप रेस्पेक्ट करें, मतलब वो 40 है तो उसको देख के आपका गाड़ी भी 40 चलाना है, उसको वो रेस्पेक्ट आपसे उम्मीद करता है, मतलब ये वाला वो एक बेसिक प्रिंसिपल है। इस पे जैसा सड़क चिन्ह तो बहुत है, उस पे तीन तरीका का सड़क संकेत होता है, जब आप सड़क पे चलते वक्त आप देखा होगा, एक तो अनिवार्य नियामक संकेत, मतलब एक मैंडेटरी साइन, मतलब इसको इस पे जो भी लिखा है आप उसको पालन करना अनिवार्य है, ये साइन वाहनों को निषेध, मतलब ये बोलने को प्रयास करते हैं, मतलब उस पे जो कुछ मैसेज आपको देंगे, कुछ विषय पे वो बताएंगे, उसको आप पालन करना जरूर है, ये मैं इस पे बताता हूँ। इस पे ये वाला ये वृत्ताकार में होता है, मतलब ये चीज है सर्किल होता है, उसका जो मैसेज जो उस पे ये वाला, इसका बैकग्राउंड सफेद है, एंड उस पे मैसेज जो काला पे लिखता है, मतलब सर्कुलर मैसेज जो वृत्ताकार पे जो भी साइन मिलेगा, इट इज ए मैंडेटरी, मतलब उसको पालन करना हमें अनिवार्य है, जैसे कि ये वन वे एक ही तरीके से जाना है, और जो भी ये क्रॉस लाइन आएगा उस पे जो मैसेज आएंगे उसको नहीं करना है, मतलब ये सीधी एरो है, इसको आपको सीधी वाला नहीं जाना, जो 40 लिखा है मैसेज बीच में, इट इज मतलब आपका स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, उससे ज्यादा नहीं जाना है। ये वाला होगा, ये वाला जैसा आप बाएं रख दीजिए, नहीं तो गाड़ी दाएं रख दीजिए, उसके साथ साथ कंपलसरी भी है, मतलब आप कंपलसरी लेफ्ट रखना, ये कंपलसरी साइन है ये वाला। इसके साथ साथ दो साइन और भी है, ये भी आप पालन करना अनिवार्य, उसी कैटेगरी में आ जाएगा ये साइन, जैसा एक तो रुकने का स्टॉप साइन, एक गिव वे साइन। ये स्टॉप साइन अगर ये रुकने का संकेत अगर आपके सामने है, तो ये इसका अर्थ ये है, ये जनरली कहां लगाते हैं, जैसा छोटा रोड से आपको बड़ी रोड पे जा रहे, ये साइन आपको छोटी रोड पे रहेगा, मतलब इसको देखने के बाद आप क्या करना है, आप रुकना जाना, इसका अर्थ, इस साइन का अर्थ ये नहीं है हमेशा आप वहीं रुके रहिए, मतलब आप रोको और जाओ, मतलब आप लगातार नहीं जाए, मतलब रोक के आप देख के जाना है, दिस इज ए स्टॉप साइन। ये तो एक गिव वे साइन है, इसमें तो कई लोगों को थोड़ा इसका जानकारी नहीं है, नहीं तो इसको मिस पूरा संपूर्ण तरीके से समझ में बहुत कम लोग करते हैं। एक गिव वे साइन मतलब आपको रास्ता देना है, रास्ता किसको देना है, आपके सामने वाला गाड़ी को रास्ता देना है। ये संकेत कहां पे रहेगा, जैसा गोल चेकर है,
गोल चक्कर आप एंटर करने से गोल चक्कर के अंदर जाने, गोल चक्कर कैसा होता है, गोल गोल होता है बीच में एंड चारों तरफ से सड़क आके मिलता है। जो कोई एक रोड रोड से आप गाड़ी चला रहे, आपको पहले ये वाला गिव वे साइन दिखाई देगा। मतलब आप क्या करना है, जो पहले गोल गोल घूम रहा है उसको, उसका अधिकार पहले बनता है वो जाने के लिए। मतलब आप क्या करना है, पहले आप रुकना है, उसके बाद आपको दोनों गाड़ी का बीच में जो स्पेस देके आप आराम से उनके साथ जाना है। इसका भी पालन करना, जितना अभी मैंने वो धारा बताया उस सेक्शन में, जितना ये गति का बोर्ड का वैल्यू है अभी प्राविधान, ये सबको भी आप पालन करना अनिवार्य है। तभी अगर पालन करना है तो एक तो चालन होगा, उसके चालन तो छोड़ दीजिए, चालन वो ठीक है पुलिस देख रहे तो चालन होगा नहीं है, बट इसका मैसेज जो अगर आप पालन नहीं करें तो दुर्घटना होना अनिवार्य, मतलब उसका दुर्घटना होने की इंटेंसिटी ज्यादा है। ओके, इसलिए ठीक है चालन छोड़ दी, अपने लिए भी और ये खुद का सुरक्षा के लिए इसमें जो भी मैसेज दे रहा है गोलाकार साइन पे, उसको हम पालन करें तो ये सुरक्षा बढ़ेगा एंड दूसरों का सुरक्षा भी बढ़ेगा, खुद का सुरक्षा भी बढ़ेगा। कुछ मैं चिन्ह बता रहा हूँ इसमें, जैसा ये हॉर्न नहीं करना है, मतलब इट इज नो हॉर्न। कुछ लोग ये कहाँ पे होता है, जैसे जंक्शन के पास, आप सबको याद हो जंक्शन के 100 मीटर के अंदर कोई बंदा वो हॉर्न नहीं बजाना है, क्योंकि आप लाइट हो गया सब लोग आ गया तो उसको बजा बजा के उनको तुम निकलो निकलो नहीं हो, मतलब 100 मीटर के तक कोई हॉर्न नहीं बजाना, वहां पे ये साइन होता है। नहीं तो कुछ स्कूल में कुछ हॉस्पिटल के पास ये साइन होता है, वहां पे हम हॉर्न नहीं बजाना। लाइक ये वाला साइन नो एंट्री, नो एंट्री, जैसा कि ये गाड़ी का एंट्री नहीं है, अगर कुछ व्हीकल का आपको रिस्ट्रिक्ट करना है तो नीचे उस गाड़ी का वो चित्र आ जाएगा, उस वाहन वहां पे जाने का जरूरत नहीं, कहीं स्लिप रोड में कुछ नहीं जाना। वैसे ये वाला हाइट रिस्ट्रिक्शन, ऊंचाई का कुछ वहां पे कुछ कभी कभी कलवर्ट्स होता है, 3.5 मीटर के ऊपर का गाड़ी नहीं जाना है, नहीं तो कहीं हाई टेंशन केबल्स जाएगा, वहां पे आपको पहले ये चित्र चिन्ह दिखाई देगा ताकि आप सावधानी से चलना। ये वाला जैसा कि ये कंपलसरी लेफ्ट, ये वाला साइन जो है जैसा आपको देखा रोड का, रोड का क्योंकि 100 किलोमीटर का ऑलरेडी है, 100 का आपका गति का है, कहीं कहीं जगह पे कुछ कारण के वजह कोई कुछ कार्य प्रगति में है, वहां पे लोग क्या करेंगे, वहां का गति को धीमी करने के लिए आपका एक संकेत देगा आप 40 पे जाइए, बट वो खत्म होने के बाद फिर दोबारा आप क्या करना है, वही 100 के स्पीड पे जाना है, वहां पे रहेगा, मतलब आपका जो गति धीमा करने के गति नहीं तो कोई कंट्रोल करने का है अभी वो खत्म हो गया, मतलब आप आजाद हो, मतलब आप जा सकते हैं। वैसे दिस इज लिमिट रिस्ट्रिक्शन एंड साइन, मतलब वहां पे कोई आपके पास रोधक नहीं है, आप जा सकते हैं, ये तो सबको मालूम है, दिस इज वहां पे रुकना नहीं है, नो पार्किंग नो स्टॉपिंग। ये वाला मतलब इसके द्वारा मैं ये करने को कोशिश कर रहा हूँ, आप जब भी आप गाड़ी चलाते वक्त सड़क पे गोलाकार कोई भी संकेत हो उसको पालन करना अनिवार्य समझ लीजिए, वो हमारा सुरक्षा के लिए अच्छा है, दूसरों को सुरक्षा के लिए भी अच्छा है। वो उस पे मैसेज कुछ भी हो, स्पीड लिमिट हो ना तो ना हॉर्न हो, रिस्ट्रिक्शन कुछ भी है, थोड़ा सोच के उसको पालन करना अनिवार्य, ठीक है। दूसरा तरीका चिन्ह ये है, इसको चेतावनी सावधानी करने का एंड चेतावनी करने से चेतावनी करने का संकेत है, वो वाला कॉशनरी और वार्निंग साइन, मतलब ये आपको कुछ ऐसी ऐसी संकेत दे रहे हैं वहां पे आगे से कुछ ये है। लाइक जैसा आपने क्या जैसे सड़क जाते जाते एक तिरछा आ जाएगा, तिरछा वो साइन आपको बताएंगे यहाँ पे थोड़ा आगे जाके सड़क मोड़ रहा है, उसको आपको संकेत देने का वो वाला मैसेज ये इस पे होता है, मतलब ये कर्व ट्रायंगल, मतलब ये त्रिकोण पे साइन होता है, मैसेज उसका बैकग्राउंड भी वाइट है, जो मैसेज वो बात कर देंगे वो काला पे होता है।
इसका वो साइन, मतलब जैसे ये तीर गार्ड सड़क मोड रहे, मतलब आपको तुरंत क्या करना है, वो इंजीनियर ये प्रयास कर रहे हैं आपको, जो सीधी पे आप 80 आ रहे, आप रोड थोड़ा तिरछा हो रहा है, वही 80 यहाँ पे काम नहीं करेगा, आपको पहले चेतावनी दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा सड़क ऐसी तिरछा हो रहा है, तो आप तुरंत ये तुरंत थोड़ा स्पीड गति कम करना है, ऐसी वाला मैसेजेस ये वाला इसमें दे देता है। नेक्स्ट साइंस जो है, एक है इसका इंफॉर्मेशन, सूचना एंड आपको जाने का वो गाइडेंस साइंस भी है इस पे, ये वाला रेक्टेंगल टाइप में होता है ये वाला साइंस, इसका एक है जैसा कि ये कैटेगरी में कौन सा आएगा, जैसे कि ईंधन का स्टेशन, नहीं तो यहाँ पे दवा खाना है, यहाँ पे पुलिस थाना है, वैसी कुछ वो इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ये वाला, नहीं तो यहाँ पे पार्किंग मत करो, यहाँ पे पार्किंग करने का जगह है, वैसी वाला चीज वो इंफॉर्मेशन साइन पे आ जाएंगे। एंड कुछ ये वाला, क्योंकि आप जाने से पहले अगर आपको जानकारी नहीं है, कोई चौराहा आ रहे, बाया जाने पे क्या है, दाया जाने पे क्या है, वो वाला साइन बोर्ड भी ऐसी ये इंफॉर्मेशन साइन पे आ जाएंगे। ओके, लाइक ये वाला मतलब चेतावनी और कॉशनरी साइंस ये है, जैसा ये रोड है, इसको आपको सीधी सीधी एक रोड लेफ्ट साइड घूम रहा है, मतलब वहां पे वैसे ही ये वाला साइन है, मतलब आपको इसको अंग्रेजी में सीरीज ऑफ बेंड्स, मतलब वो दो तीन साइड, एक लेफ्ट घूमेगा तुरंत राइट घूमेगा, नहीं तो पहले राइट घूमेगा तुरंत लेफ्ट घूमेगा, वैसी वाला परिस्थिति में ये वाला साइन आ जाएंगे। ये वाला साइन है गोल चेकर, मतलब आपको कितना 100 मीटर पहले से आपको ये साइन दिखाई देगा, मतलब आगे में गोल चेकर है। ये वाला साइन ये है, जैसा आप सीधी में जा रहे, इसको सीधी जाने वाला को सड़क पे ये रहेगा, ये आपकी लेफ्ट साइड से दाएं साइड से एक ट्रैफिक आके आपके साथ मर्ज हो रहे, जुड़ रहा है, तो हम क्या करना है, उसको धीरे जाना है, नहीं तो कुछ धीरे जाना है, ये संकेत ये दे रहा है इस पे। जैसा जाते जाते अचानक रोड बंद छोटा हो जाएगा, वो वाला साइन इसमें देंगे। जैसा आपको मीडियन ओपनिंग, मतलब जाते जाते सड़क पे एक सिग्नल तो है, ये एक मीडियन ओपनिंग बोलते हैं, वहां पे आपको गाड़ी भी यू टर्न लेने का है, वो वाला साइन ये देंगे। ये आपको सावधानी कर रहे हैं, मतलब आपको कुछ इंफॉर्मेशन पहले देने की कोशिश करने वाला साइंस है ये, त्रिकोण में रहेगा, उस पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे, मतलब देने की कोशिश करेंगे, उससे आपका ये सुरक्षा बढ़ेगा। अगर वो नहीं करे तो फिर इट लीड्स टू एक्सीडेंट। दूसरा है कि जैसा इंफॉर्मेशन साइंस, इंफॉर्मेशन विशिष्ट सावधानी चेतावनी संकेत, वो क्या है, ये वाला साइन है, मतलब जब आप सड़क के ऊपर जाते वक्त अगर ये दिख गया, मतलब वहां पे अब फर्स्ट एड का सुविधा है, जैसा कि अगर वहां पे टोल स्टेशन होना है तो कहीं है वहां पे ये साइन होने का हो गए, तो आपको वहां पे कोई डॉक्टर, छोटा मोटा डॉक्टर है, छोटा हॉस्पिटल होगा, ये वाला साइन है। दूसरा, कभी कभी अगर पेट्रोल का पंप पे वहां पे नहीं तो लेफ्ट जाने पे आएगा, वो इंफॉर्मेशन देंगे। ये बहुत तो ये, क्योंकि आपको फुट ओवर ब्रिजेस, जो पैदल पे जाने वाला को सुविधा के लिए फुट ओवर ब्रिजेस बनता है, नहीं तो सबवे भी हो सकता है, उसके बारे में ये साइन बताएगा उसके आसपास में, ताकि इसको अगर ये आप देख लिए तो फिर आपको फुट ओवर ब्रिजेस है। या ये साइन थोड़ा इसके बारे में बहुत कम लोग को जानकारी है, क्योंकि जैसा कुछ सड़क है वैसी एक्सप्रेस वे, उस पर गति बहुत अधिक होता है, लाइक आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, उस पर आपको वो जो अगर नीचे जाना है, नहीं तो राइट मोड़ना है, उसको बहुत पहले से आपको जानकारी होना चाहिए, इसलिए वो एग्जिट ये वाला साइन है, आपको तुरंत एग्जिट आएगा, ये आपको कितना 300-400 मीटर पहले ये साइन मिलेगा, ये साइन आप देख लिए तो उसका एक्सप्रेस वे में आपको एग्जिट आने वाला है, दिस इज इमरजेंसी एग्जिट का साइन है। ये पार्किंग साइन, अगर पार्किंग साइन नीचे अगर कुछ नहीं है, ओनली ये पी साइन रखा,
तो हर कोई भी गाड़ी वहां पे पार्किंग कर सकते हैं, बट इसके इसके नीचे ही अगर कोई यहाँ पे चिन्ह लगाया साइकिल और कार एंड टू व्हीलर, केवल वही लोग वहां पे पार्किंग करने का सुविधा है, बाकी लोग नहीं करना, ऐसी वाला साइंस ये है। लाइक कुछ चीज ऐसा है, ये तो कुछ मतलब ये तो मैं सेम इंजीनियर को भी बताता हूँ, कुछ को वो लोग उनको समझना थोड़ा मतलब रॉन्ग इंटरप्रिटेशन समझ लीजिए कुछ है, जैसा भी आप गाड़ी कम से कम इंफॉर्मेशन देना है, क्योंकि आपका गति अगर 40 में भी है, इस इंफॉर्मेशन 40 में आप पढ़ के तो आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, वो उसको देख के एक नजर मार के आगे चलेंगे, बट इतना सारा इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं देना है रोड चलाने वाला को। एंड यहाँ पे ये भी एक है, ऑफ कोर्स इट इज इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू, जनरली आप गाड़ी चलाते वक्त केवल आगे वाला का इंफॉर्मेशन ही देना है, आप कहाँ से पीछे से आ रहा है वो इंफॉर्मेशन नहीं देना है। इसको जो इंजीनियर्स का पर्सपेक्टिव में रखा, दैट जस्ट माय इसको, जैसा एक बड़ा एक्सप्रेसवे में आप जाते वक्त साइन बोर्ड ऐसी होना चाहिए, देखते ही आपको पता होना चाहिए, बट उसको देखने के बाद फिर आप दिमाग लगा के ये क्या है वो क्या है सोचने का नहीं करना है, वो सोच बैठे तो फिर उनका कंसंट्रेशन जो ड्राइविंग पे होना है वो नहीं होता है, फिर इसको फिर वो सोच रहा है तो फिर उनकी पीछे गाड़ी होगा टकराने का संभावना बहुत है। ऐसा एक ये लाइव एग्जांपल है वहां पे, जैसा ये बता रहे एग्जिट तो 92 किलोमीटर 41 किलोमीटर, मतलब उसको मैंने इस गांव का नाम पढ़ा, फिर ये 92 भी है 21 है, ये मतलब क्या है, इसको मुझे बहुत सोचने के बाद ही आएगा, ऐसी रोड साइंस नहीं होना चाहिए। ओके, अगर एज ए रोड यूजर अगर आपको ऐसी साइन दिखाई दे, कोई चिन्ह आपको दिखाए, तो आपका दिमाग इस्तेमाल करके इंटरप्रेट कर नहीं करना है, उसको छोड़ दीजिए, मतलब एज इफ वहां पे साइन नहीं समझ लीजिए, बट वो इंफॉर्मेशन को ये क्या वो क्या सोचने का टाइम नहीं देना, क्योंकि आपका प्राथमिकता है सड़क पे गाड़ी चलाना है, ये किसी की कोई ने वो कर दे उसको ऐसी नहीं करना है। जैसा स्टॉप साइन मैंने बोला रुकने का, ये तो आपको जो बड़ा रोड से आ रहे छोटा रोड है ये बड़ा रोड, उससे आने से पहले आपको ये रुकने का साइन रहेगा, ये मत तो सोचे, कुछ लोग मेन रोड पे भी लगाते हैं वो गलत है, ये साइड रोड पे उसको देख के अब क्या करना, गाड़ी धीरे से धीरे रोकना फिर उसके साथ जोड़ना, ये भी ये गिव वे साइन है, इसको मैंने समझा दिया ले लेता हूँ। जैसा एक है ये इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि जैसा अगर डायरेक्शन साइन आप लगा दिया तो हमारा दिमाग एक एक ट्रेंड सेट कर देते, क्योंकि जैसा सीधा वाला ऊपर ही रहना है, लेफ्ट वाला बीच में, राइट वाला बॉटम में होना चाहिए, ये सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करना जब इंजीनियर साइन लगाते वक्त, क्योंकि अब हमारा लेफ्ट ड्राइविंग है, मुझे लेफ्ट साइड देख लिया तो वो लेफ्ट वैसे ही होना चाहिए, इट इज ए कॉग्निटिव, मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूं, बट ऐसे ही होना चाहिए। जैसा ये नोट्स नो एंट्री साइन, कुछ साइंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इट इज ए नो एंट्री साइन, दिस इज नो एंट्री, ये वाला दिस इज प्रायोरिटी वन वे साइन, मतलब कभी कभी क्या होता वन वे साइन तो है, मतलब वो गाड़ी एक ही डायरेक्शन में जाना है, बट ये कभी क्यों होता, एक ही डायरेक्शन में करने में दूसरा दिशा पे कोई गाड़ी नहीं आना, कई जगह पे उस रोड पे कोई छोटा मोटा घर हो नहीं तो कुछ शॉप हो, वो लोग इक्का दुक्का गाड़ी के लिए वो लोग आ सकते हैं, मतलब इट इज ए प्रायोरिटी, बट केवल जिस साइड से काला है वो लोग आ सकते हैं, बट साइन दिखेगा जिसका प्रायोरिटी नहीं है उसको दिखेगा ये साइन, दिस इज ए प्रायोरिटी इंटरसेक्शन, ये तो रुकना नहीं है, एक वहां पे रुकना नहीं है, वहां पे खड़ा भी नहीं होना, एक तो नो स्टॉपिंग एक नो स्टैंडिंग, ये आबादी क्षेत्र में जब भी आप बाहर से एंटर कर रहे हैं आबादी में ये वाला साइन आपको दिखाई देगा। जैसा मैं बोल रहा हूँ ये क्योंकि
जैसा अगर दो तीन मोड एक ही जगह, जैसा ये वाला सड़क आ रहा है फिर इसके बाद ये, यहाँ पे ऐसी वाला साइन हो जाएगा, इट इज ए सीरीज बेंड्स होता है। मतलब आप कभी भी ये साइन देखा, मतलब एक ही तिरछा नहीं, उसके तुरंत बाद दूसरा तिरछा भी आ जाएगा वो वाला। ये साइंस है, ये सेवरान साइंस कहते हैं, सेवरान साइंस। ऑफकोर्स ये भी आपको गाड़ी, क्योंकि रात को करों पे ये तो ये तिरछा है तो रात को आपको नहीं दिखता साइन, तो पहले तो मैंने बता दिया वो करो साइन पे, बट गाड़ी चलाते वक्त तो आपको बार बार याद दिलाएगा इसका आप मतलब ये तिरछा पे आपका गाड़ी चल रहा है। जब तक आप ये साइन देखेंगे तब तक आपको धीरे ही चलना है गाड़ी, मतलब आपको सावधानी कर रहे हैं, ये वाला जो ये हमें इसको कहते हैं चेवरान साइंस। ये रात को बहुत अच्छे से दिखेगा लाइट का, यहाँ पे जैसा आप गाड़ी चलाते हो ये देख रहे थे, फिर हमको खरवे वो जितना वो कम स्पीड पे जाना है, ये कवर है ये। क्योंकि अभी कुछ बहुत नियम है, आप स्पीड ब्रेकर नहीं बनाना है, ये करना वो बहुत रूल्स है, उसके अंदर मैं ही नहीं जा रहा हूँ। बट ये इसको ट्रांसवर्स बार्स बोलते हैं, आपने दिल्ली में भी कहीं देखा होगा, छह पट्टी एक सफेद पट्टी होता है, उसके थोड़ा थिकनेस 15 सेंटीमीटर 150 mm वो थिकनेस होता है, आपका गाड़ी थोड़ा उसके ऊपर जाने से थोड़ा आवाज आएंगे। ये एक्चुअली जो ये प्रयास ये कर रहे हैं, आपको एक पट्टी उसको एक ऐसी तीन चार पट्टी, मतलब कितना बार मुझे लगाना है, इसके एक टेबल है वो इंजीनियर देखेंगे। बट जब भी आप उसके ऊपर चल रहे हैं आप, क्योंकि मैंने अगर स्पीड ब्रेकर बना दिया तो आपको मैं जो धीरे करवा भी सकता हूँ, इसको बोलते हैं एक्टिव डिवाइस। बट धीरे करने में इस हमेशा धीरे करने की जरूरत नहीं, आपका आप कुछ मतलब सावधानी कर रहे हैं तो एक में आप सावधान हो जाओ, फिर उसके बाद मतलब अपने आप थोड़ा स्पीड भी कंट्रोल करो। बट इसका अर्थ ये नहीं है मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो उसी गति पे चले जा रहा हूँ। दिल्ली में आपने फ्लाईओवर देखा होगा, फ्लाईओवर के अंत पे ये वाला साइन होता है, मतलब आपको थोड़ा धीरे पे चलना है। वहां पे स्पीड ब्रेकर भी बना सकते हैं, बट स्पीड ब्रेकर बनाने पे क्या होगा ना, अब 80 पे आ रहे वो 80 को मैं 20 तक नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि आपको जस्ट थोड़ा थोड़ा कम करने के लिए ये वाला साइन, यही कहीं पे भी आपको वो सफेद पट्टी आ रहे तो वहां पे कुछ यहाँ पे अजर्ड बोलते हैं वहां पे है, उसको हम सावधानी से छोटा धीरे चलना है। ये सड़क चित्र, मतलब ये इसका रोड मार्किंग के बारे में कुछ हम डिस्कस करेंगे अभी। रोड मार्किंग, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया संकेत से क्या होगा, एक ही जगह पे आपको इंफॉर्मेशन देंगे चले जाएंगे। कुछ चीज ऐसा होता है, वो क्या चीज हम आगे देखेंगे, वो आपको लगातार उसकी जानकारी आपको होना चाहिए, उसी जानकारी के लिए तो हम सड़क मार्किंग रोड मार्किंग करते हैं। रोड मार्किंग इसका मैक्सिमम ये लोग ये सोचते हैं ये तो केवल सफेद ही सफेद है, सफेद नहीं है, इसमें डिफरेंट बहुत सारा रंगीन है, और मैक्सिमम अधिकतर सफेद होता है क्योंकि सड़क काला है, इसको सफेद करने के लिए सफेद की इसमें होता है, जैसा लेन मार्किंग होता है जो सेंटर लाइन मतलब बीच वाला, वो हम आगे देखेंगे। जैसा एक पीले लाइन भी होता है रोड मार्किंग में, पीले कलर का मतलब आपको जैसा पर करने की अनुमति नहीं है, मतलब जहां पे भी आप रोड मार्किंग पीले कलर में भी देखा मतलब वहां पे आप कुछ नहीं करना, मतलब रिस्ट्रिक्शन है, वो क्या है हम आगे देखेंगे, वो मतलब लॉन्गिट्यूडनल में उसका आपको कंट्रोल सिस्टम को बताने के लिए पीले कलर में होता है। नीले कलर क्या है, सार्वजनिक वाहनों के लिए, जैसा बस हो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उसके लिए वहां पे उसको नीले कलर भी हम यूज कर सकते हैं, लोग यूज भी कर रहे हैं। हरा मतलब जो जिसको पेडेस्ट्रियन मेरा मोटर नॉन मोटराइज्ड, मतलब जो साइकिल वालों के लिए नहीं तो साइकिल ट्रैक वैसी वालों को वैसी
नॉन मोटर गैर मोटर चालकों के लिए ये वाला कलर यूज होता है। जैसा लाल, लाल इज ठीक है सेम संकेत, वो रोड मार्किंग में भी वही है, ये डेंजर है। मतलब कभी कभी ऐसी जगह होता वहां पे साइकिल वाला भी जाएगा, सड़क वाहन वाला भी जाएगा एंड टू व्हीलर भी, सब लोग एक ही जगह पे, जैसे कि वहां पे कोई साइकिल ट्रैक आके जंक्शन के पास जोड़ रहे, वहां पे साइकिल वाला भी उस जंक्शन को पार करना है, वो सीधी जाने वाला मोटर वाला भी पार करना है, वहीं पे जो पेडेस्ट्रियन से मतलब पैदल जाने वाला वहीं पर, वैसी लोकेशन को ये लाल और पर्पल कलर में करते हैं, मतलब उस पर आप बहुत सावधानी से चलना है। जैसे आप कुछ 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 मार्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे ये वाला सड़क एकदम आखिरी, मतलब इसके बाद ये सड़क है ही नहीं, इसको कहते हैं एज लाइन मार्किंग। ओके, ये वाला बीच में, ये वाला अनडिवाइडेड रोड है, मतलब ये सेंटर लाइन मार्किंग। सेंटर लाइन क्योंकि ये बिंदी बिंदी, मतलब ये डिसकंटिन्यू बोलते हैं, बिंदी बिंदी होता है, उसके बाद थोड़ा फॉस फॉस भी ये गैप होता है, उसके बाद कंटिन्यूसली है। अगर आपकी बीच वाला जो मार्किंग है ऐसी है तो फिर आप इधर से इधर जा सकते हैं, ठीक है, जब अवसर के हिसाब से आप जा सकते हैं। अगर आपका सेंटर लाइन बीच वाला लाइन जो कंटिन्यूस है तो आप गाड़ी इधर से इस साइड लाना ही नहीं है, मतलब मना है, क्योंकि वहां पे आपका लेन लेके ही सीधी जाना है। ये वाला ऐसा है, मतलब कंटिन्यूस लाइन है, अगर बीच वाला लाइन कंटिन्यूस है तो आप एक साइड से दूसरा साइड नहीं जाना है। अगर वो वाला लाइन अगर दो है, सेंटर लाइन दो है, तो हर हालत में किसी भी हालत में आपको नहीं पार करना है। जैसा ये तिरछा है, तिरछा में क्या कर रहे हैं, इन्होंने येलो पीली कलर भी डाला, मतलब यहाँ पे इंजीनियर ये प्रयास कर रहे हैं आपको, यहाँ पे तो मुझे मीडियन ही बनाना है बट जगह नहीं है, किसी कारण मैं नहीं बनाने को नहीं बन पा रहा हूं, बट ये मार्किंग कर, आप किसी हालत में ऐसी जाने वाला इसको उस साइड मत जाओ, क्योंकि अपो जो दूसरा दिशा पे आने वाला गाड़ी की टकराने का चांस है। मतलब आप ये, मैं ये समझने को कोशिश कर रहा हूं, अगर आप देखा बीच वाला लाइन लगातार है, उसको एक दिशा से दूसरा दिशा जरा सा भी नहीं जाना, आपका गाड़ी ऐसी जा रहे तो इस साइड नहीं जाना है। अगर वो दो लाइन है, वो पीले है, किसी हालत में आप क्रॉस नहीं करना, क्योंकि वो वाला बहुत खतरा माना जाता है। बट कभी आपने देखा होगा एक साइड तो डॉटेड टाइप होता है, एक साइड कंटिन्यूस है, उस टाइम पे हम क्या करना है, जिस तरफ, जैसा मैंने गाड़ी यहां से चला रहा हूं, जिस साइड लगातार है उस बंदा इस साइड नहीं जा सकते, जिनके साइड, जो बंदा इधर से आ रहे उनके साइड डिसकंटिन्यूस, मतलब एक बिंदी बिंदी टाइप है, वो बंदा इस साइड अगर जरूरत पड़ गए तो वो आ सकता है। जैसे क्योंकि ये तो तिरछा है, यहाँ पे दुर्घटना क्षेत्र है, वो से क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, और जो बंदा उसके अंदर आ रहे उसको एकदम, मतलब अगर आपका गाड़ी बहुत तेज भी है उनके पीछे ही जाना धीमे करके, फिर कर्व खत्म होने के बाद अगर उसके बाद आप जा सकते हैं, वो वाला, मतलब एक साइड वो कंटिन्यूस है, एक साइड डॉटेड है, तो जिनके तरफ लगातार है वो बंदा दूसरे साइड नहीं जाना है। ये रोड स्टड्स है, रोड स्टड्स मतलब वो रात में चमकते हैं, इसका कलर जो सफेद कलर है, इसको जो बीच वाला लाइन में सफेद कलर होता है, लाल मतलब एकदम सड़क का एंड है, आप रात में कभी भी गाड़ी चलाते वक्त तो आपको लाल वाला स्टड दिखाई दे रहे, तो उसके बाद सड़क होता भी नहीं है। जैसा अगर पीले कलर है, क्योंकि जैसा आप एक्सप्रेस पे देखा होगा आपके राइट साइड में मीडियन, मीडियन वो दोनों मीडियन के तरफ वाला पीले कलर पे होता है, एंड हरे कलर वाला स्टड्स ये है जहां पे जीब्रा क्रॉसिंग, मतलब पैदल वाला पार करने के लिए वो जीब्रा क्रॉसिंग, वहां पे ये हरा कलर, मतलब अब गाड़ी रात के समय चलाते वक्त अगर आपको हरा स्टड दिखा, स्टड में दिखा, हरा स्टड दिखा, तो वहां पे
पैदल वाला क्रॉस करने का है समझना। अगर आपको ये लाल कलर है तो सड़क का अंत है, लाइक ये वाला जैसे ये सड़क पे जा रहे हैं, ये सड़क पे जा रहे हैं तो इस साइड ये लाल है, मतलब एकदम इसके बाद तो सड़क तो है ही नहीं, इसके पार वो साइड जाना नहीं चाहिए। जैसा आपको पीले कलर है, पीले कलर यहाँ पे ये मीडियन है, मीडियन के साइड में पीले कलर पे होता है लाइक यार। ये पैदल पर पथ मतलब जब आप ये इसको कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। अगर आप रोड क्रॉस करने को प्रयास कर रहे तो क्या करना है, कोई भी इसको ये इसी के ऊपर ही चलना है, मतलब इसके आसपास नहीं चलना है, इसके ऊपर, क्यों, इसलिए इसका लंबाई 1.5 मीटर मतलब इतना लंबाई होता है, इसी पे चलना है। अगर आप गाड़ी चला रहे तो जीब्रा क्रॉसिंग से पहले एक साइन दिखाई देगा, क्योंकि पैदल वाला आप आगे है, वो साइन देखते ही गाड़ी स्लो करना है। अगर वो कोई पैदल वाला जा रहे तो ये वाला एक लाइन होता है, उससे पहले ही गाड़ी रोकना है। जैसा अगर ये जंक्शन है, जंक्शन के पास अक्सर होता है, बट लोग ये गाड़ी चलाने वाले लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर ले जाते हैं, नहीं, ये लाइन का संकेत ये है, गाड़ी हम इस लाइन से पहले ही रोकना है, नॉट इसके ऊपर। एंड जो पैदल वाला भी, उन्होंने यहाँ पे यहाँ से नहीं चलना है, उसके ऊपर से ही क्रॉस करना है। ये देख लीजिए उनको कंटिन्यूअस, अगर आप यहाँ पे हैं इसको आ जाइए, इसके बाद यहाँ जाके उसको, मतलब वो कंटिन्यूअस करते हैं। तो इससे दो चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक तो इसको जीब्रा क्रॉसिंग पे आप जो लाइन होता है, अगर आप गाड़ी चला रहे तो उस लाइन से पहले ही गाड़ी रोकना है, जीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर नहीं जाने देना। अगर आप पार कर रहे हैं, पैदल यात्री है, तो फिर आपको उसी के ऊपर से ही चलना है, जीब्रा क्रॉसिंग वो लाइन जो सफेद पट्टी है उसके ऊपर से ही चलना है। दूसरा एक है, जैसा कि मैंने बोला पीले वाला इस प्रतिबंध मतलब वहां पे रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध का आपको इशारा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये इवन इसको कर्ब बोलते हैं, यहाँ पे भी पीला है, इसका लाइन भी पीला कलर है, इसका मतलब वहां पे कुछ स्कूल है, वहां पे गाड़ी रुकना सख्त मना है, मतलब यहाँ पे गाड़ी खड़ा भी नहीं करना, नहीं रोकना, इसका संकेत ये दे रहे हैं। जैसे कि वो लिखता भी है उस पे, नो पार्किंग लिखता है, बट लिखना कुछ कारण कुछ भी हो, ये वाला ये अक्षर पे ये कर रहे हैं, कारण बता रहे हैं, बट हमारा एक्शन एक ही है, पीले कलर पे कुछ लाइन है, मतलब वहां पे हमारा गाड़ी किसी हालत पे नहीं रोकना, ये संकेत, मतलब ऐसी करना है, वो वहां पे स्कूल हो नहीं तो पार्किंग रिस्ट्रिक्शन हो, कुछ भी हो, इवन हमारा संस्था में भी है वहां पे पीले लाइन, आप अक्सर देखते हैं बार बार। जैसे कुछ जगह पे ऐसी होता है, बहुत पेडेस्ट्रियन होता है, वहां पे इसको कहते हैं टेबल टॉप, उस टाइम पे हम क्या करना है, उसी के ऊपर से चलना है, क्योंकि इसीलिए तो ये वाला टेबल टॉप को कर लेते हैं। या एक और मुद्दा है, जैसे सिग्नल के पास हम क्या करेंगे, अगर रेड लाइट आ गया, ये जैसा मैंने पहले अभी बोला, क्योंकि हमारा गाड़ी इससे पहले यहीं पे रुकना है, ओके, जैसा ग्रीन आते ही फिर हम चले जाना है। बट बहुत लोगों को ये कंफ्यूज है, ये एक एम्बर भी आता है, एम्बर, उसको एम्बर साइन, एम्बर का कलर भी आता है, ये दो चीज तो सबको क्लियर है, मतलब लाल है तो रोकना, ग्रीन है तो, लाल है तो हमें रोकना है गाड़ी, अगर हरा है तो हमारा गाड़ी चलाना है। ये बीच में ये वाला हैम्बर, उस पे क्या करना है, कुछ लोग क्या करेंगे, और तेज से भागते हैं, कुछ लोग तो अरे अब यहाँ पे हमारा देश पे ये हैम्बर तब आता है ग्रीन के बाद, जैसा हरा हो गया उसके बाद हैम्बर, उसके बाद लाल आता है, तो इसका मतलब ये है जो बंदा ऑलरेडी उसको हरा में इन्होंने ये लाइन पार करके जंक्शन के अंदर गया, चौराहे के अंदर गया, वो बंदा तो पार करके जंक्शन पार करके जाना है ना, उसके लिए ये एम्बर साइन है, मतलब इन स्पष्ट पे बोलने के लिए
टू विकेट द जंक्शन, जो गाड़ी जंक्शन के अंदर गया वो जंक्शन पार करने के लिए उनके लिए ये 3 सेकंड का एम्बर होता है। बट जैसा भी आपने इसको देखा तो आपके लिए तो रेड है, अगर ये इसके आसपास है आपके लिए रेड है, एम्बर देखते ही आपका गाड़ी रोकना ही है, ये नहीं है हम स्पीड से नहीं जाना है, और दैट इज दी वो मीनिंग है। नेक्स्ट एक या ये चीज बहुत तो मतलब बहुत गंभीर मुद्दा है, कई लोग इसको पालन नहीं करते हैं, पहले इसको समझ भी बहुत कम लोगों में है। ये वाला आप अक्सर गाड़ी हाई बीम मतलब ऊंचा चमक के लिए आपके गाड़ी में एक तो नॉर्मल होता है एक ऊंचा चमक, मतलब ये वाला इसको आपको टर्न करने में आपको हाई बीम ऊंचा चमक को देने वाले के ऊंचा चमक के लिए हम करते हैं। ये अक्सर हम कब यूज करते हैं इसका वाला ऊंचा चमक हेडलाइट बोलते हैं, ऊंचा चमक हेडलाइट बीम, इसको प्रकाश का कोई वहाँ पे तत्काल सोर्स नहीं है, मतलब सोर्स नहीं है वो जहाँ पे भी आपको वहाँ पे ओनली केवल हमारा सारा गाड़ी चलाने के लिए केवल हेडलाइट मतलब गाड़ी का ही चमक से हम गाड़ी चला रहे उस टाइम में, क्योंकि हम बहुत कम दिखता है उसको हम क्या करते हैं उसको हाई बीम ऊंचा चमक चला के हम गाड़ी चलाने को कोशिश करते हैं, वैसे इस्तेमाल करना है वो गाड़ी वाला इसलिए बनाया। बट इसको हम इसको ये जानकारी हमारे पास होना है इसको कब इस्तेमाल करना है कब नहीं करना है कैसा इस्तेमाल करना है वो देखते हैं, क्योंकि ये आपको ऊंच किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए इसको कब करना है ऊंच चमक को हेडलाइट को हम सुरक्षित करने के लिए और इसको सड़क में देखने में अक्सर मतलब आपके पास कोई आप सड़क को इसके थ्रू ही देख रहे हैं, मतलब हमारे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है उसको ये केवल हमारे हेडलाइट में देख रहे हैं इसका, ये अगर आपने ऊंच चमक का इस्तेमाल किया तो आप आगे आपका गाड़ी के आगे 350 से लेके 400 फीट तक देख पाएंगे। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं किया तो ये आधा मतलब इसका इसके द्वारा आप दुगनी दूर देख पाएंगे रात को, वो वाला सुविधा एक गाड़ी में, मतलब इसको अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो आधा देखेंगे, इसको यूज करने में इस्तेमाल करने पे आप दुगना दूर देख पाएंगे। तो इसको हम क्या कर लेंगे, गलत तरीके से अगर आपने इसको इस्तेमाल किया तो इसको चालकों को बहुत खतरा है इसमें, क्योंकि अब इसको कब इस्तेमाल करना है, अगर जैसा रात को आपको गाड़ी चला रहे आपकी मतलब आपके सामने गाड़ी 500 फीट के अंदर सामने वाला गाड़ी 500 फीट के अंदर है तो तब हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है 500 सामने वाला गाड़ी। जैसा आप गाड़ी चलाते वक्त किसी गाड़ी के पीछे लगाया होगा, अगर वो दोनों गाड़ी के दूरी मतलब आपके एक तो पहले वाला सामने से गाड़ी आने वाला, एक तो दूसरा आप किसी के पीछे, दोनों गाड़ी के अंतर अगर 200-300 फीट से कम है तभी भी हम हेडलाइट नहीं चलाना है, हेडलाइट इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। मैं इसको दोबारा दोहरा रहा हूं, क्योंकि अगर आप गाड़ी चलाते वक्त कोई हमारा सामने से गाड़ी आ रहे उस गाड़ी अगर 500 के जो अमर को एकदम अपोजिट 500 फीट से अंदर कम दूरी पे है तो हम बिल्कुल हेडलाइट नहीं चलाना है। अगर हम किसी के पीछे है तो अगर वो 200-300 के अंदर वो गाड़ी है तो हम बिल्कुल हेडलाइट नहीं चलाना है, उस टाइम पे हम इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा एक है, जैसा कोहरे में दिल्ली में अक्सर होता है वो मौसम के हिसाब से कोहरे में एंड बारिश में हेडलाइट बिल्कुल नहीं चलाने, ये ऊंच चमक वाला सुविधा हम गाड़ी के अंदर इस दोनों टाइम पे नहीं चलाना है। उस पे क्या होगा, उसके आपकी दृष्टि में और धुंधला
बनाएंगे, मतलब उस पे वो चमक के वो फिर वापस आएंगे, उसको वो बारिश में चलाने वो वाटर ड्रॉपलेट पे ऊपर डाल के हमारा वो और दिक्कत देखने के बहुत दिक्कत होगा। और दूसरा है कोई किसी कारण कोई या वर्ष में अच्छा चमक देने वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, मतलब उसको इसलिए इन दोनों टाइम पे हम नहीं चलाना है। दूसरा है क्योंकि ये तो अक्सर ये तो दोनों अगर कोई आपको आपके सामने वाला गाड़ी भी यही इनको उनको भी इतना ही जानकारी है तो वो भी नहीं यूज करेगा, आप भी नहीं यूज करेंगे, आप अक्सर पार करेंगे। अगर किसी कारण कोई बंदा आपका गाड़ी के ऊपर हाई हेडलाइट डाल के आ रहे तो उस टाइम पे हम क्या करना है, जैसा ये गाड़ी है वो दूसरा बंदा उन्होंने हेडलाइट यूज किया हाई बीम यूज किया उसमें हम क्या करना है, क्योंकि हम एकदम आंख बंद नहीं करना है क्योंकि हमारा गाड़ी भी चलेगा उस टाइम पे, उनका हेडलाइट के अंदर नहीं देखना है, थोड़ा उसको लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड के तरफ सड़क पे ही देखना है, गाड़ी पे नहीं देखना है। किसी कारण और किसी और देखे मतलब कोने से बाहरी आने वाली कार देखे, मतलब थोड़ा उसका थोड़ा लेफ्ट साइड का देखना है, बट ये नहीं करना है क्योंकि जवाबी कार्यदारी मतलब आप इतना गुस्सा आ गया, अरे तेरे से मेरा गाड़ी भी बहुत बड़ा है, मेरे पास भी हेडलाइट है, ये सोच के आप रिटालिएट मतलब इसको कोशिश नहीं करना, मतलब जवाबी कार्रवाई नहीं करना। उन्होंने एक चला रहे हेडलाइट तो आप भी हेडलाइट चलाए तो क्या होगा, दोनों को खतरा है, तो उस टाइम पे हम वो मतलब जवाबी कार्रवाई में हम हेडलाइट नहीं चलाना है। दिस इज मेन। दूसरा एक है ये तीसरा है एक ट्रेड वियर इंडेक्स, ये तो प्योर टेक्निकल टर्म है, मैं कोशिश करूंगा ये आम भाषा में समझाने के, बट इसका महत्व बहुत है। आपने अक्सर सुना होगा आजकल कंक्रीट रोड्स बहुत आ रहे उस पे टायर बस्ट वो टायर का फटना बहुत केसेस आप देख रहे हैं, उसको टायर फटने का चांसेस तो बहुत वो अक्सर गर्मी में तो बहुत होता है, उसका जानकारी देने को मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसका एक टर्म है पहिया घिसने का, घिसाई का नाप, उसको हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। अब देख लेना पहिया तो आप देख लिया होगा, इस पे ये बीच में एक तो पहिया देखने पे आपको ऐसे ऐसा निशान आता है, यहाँ पे ये वाला इसका इंडिकेटर मतलब ये कितना घिसाई आपका गाड़ी हो गया उस नापने के लिए ये दोनों के बीच में जो है वो है, उसको क्या अगर पहिया घिसते जाएंगे तो ये नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे इसका जैसा अगर आप पहिए का कितना हो गया कितना साल का मेरा गाड़ी है उसको पता करने के लिए आप पहिया देख लीजिए, ऐसी इवन ब्रिजस्टोन वट एवर दी ब्रांड के नाम साथ साथ ये वाला चार अंकों का ये भी है उस पे, जैसे 24 पहले दो वाला ये हफ्ते का मतलब ये 24th वीक, आखिरी दो वाला वो साल का करेंगे मतलब अभी। अरे मेरा बिल अकाउंट से फिर इधर आ गया, ईआरपी में छेड़ने के लिए करके बोल रहा है। सॉरी क्योंकि ये वाला ये दो अंक ये चार डिजिट का नंबर जो है आपको पहिया का उम्र बताएगा, तो हम क्या करना है एक्चुअली इसका मैं यही समझाता, ये अगर पहिया ज्यादा घिस गया तो ये वाला क्या होगा टायर बस्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो ये इसका 1/16 तो मैं इस पे ये जो लिखा है वो संजय जी के पास है इसको यहीं पे समझाता हूँ। अगर ये वाला नया गाड़ी में तो बहुत होता है, ये जैसा भी 1.6 mm से कम होगा तो
तो वो टायर बस्ट उसका बहुत खतरा में आता है। तो ऐसे रोड अगर आपका खुद का गाड़ी है, जो पहले जो खुद का गाड़ी है, तो आप ये समझना इसको उसका उम्र के हिसाब से, अगर बहुत ज्यादा उसको ये बीच में कोई स्केल लगा के आप नाप भी सकते हैं, उसका अगर 1.6 mm से कम हो गया तो उसको तुरंत पहिया बदलना है। That is, अगर आपको खुद का गाड़ी है तो। बट कभी कभी क्या होता है, उसको आपने तो कोई बाड़ा में गाड़ी ले लिया, फिर उसको वो गाड़ी चला रहे तो फिर आपने देखा, अगर मैं अभी ये डिस्कशन के बाद आपने देखा तो फिर अब क्या करेंगे, गाड़ी बदलेंगे, नहीं तो उनको उनको ज्यादा जानकारी देने में वो नहीं सुनेगा। बट तुरंत हम क्या करना है, इसके ऊपर बहुत है मतलब प्रेशर, टायर प्रेशर, हमको अब फ्रीक्वेंटली उसको मतलब लगातार नहीं चलाना। आप 70 किलोमीटर के बाद थोड़ा रिड्यूस कर दो एंड स्पीड धीमे करने पे वो टायर बर्स्ट से हम बचेंगे। अगर आपको उसका पहिया बहुत घिस गया, आप थोड़ा अंदाजा लगाया तो आपको थोड़ा धीरे उसका स्पीड बहुत कम कर दीजिए धीमा, एंड उसको थोड़ा फ्रीक्वेंटली मतलब वो 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर के बाद तो कंपलसरी मतलब जरूर उनको ब्रेक देना है। उस पर क्या होगा उसकी क्योंकि वो प्रेशर एंड वो वियर एंड टेयर एंड वो बहुत सारा फंक्शन है, वो उससे हम थोड़ा सेफ रहेंगे। उसका कुछ और है, दिस इज जस्ट जनरल इंस्ट्रक्शंस। कुछ जैसा लाइट से मतलब जो जो स्ट्रीट लाइट्स जो है उसका एज बढ़ते ही उसका हमारा रिक्वायरमेंट बहुत है। जैसा एक बंदा 20 का उम्र में उन्होंने 100% अगर लाइट 100% वो लाइट देखेंगे, जैसा उनका 13 साल बढ़ते ही उनका जो जरूरत मतलब लाइट जरूरी 200% देखेगा। और साधारण भाषा में ये है, जब आप सड़क पे गाड़ी चलाते वक्त अगर वो 30 और 50 मीटर पे एक भी लाइट चले गया तो 45 एज के बाद आप बहुत महसूस करेंगे, क्योंकि वो लाइट कुछ है ही नहीं, मतलब इट इज ए फंक्शन। तो जब भी हम गाड़ी चलाते वक्त अगर रात के टाइम पे चला रहे, तो फिर मैं पहले भी इतना स्पीड पे जाता था, मैं अभी भी जाता हूँ, वैसी मत करना, क्योंकि उस टाइम में आपका उम्र उतना होगा, लाइट देखने का आपको क्षमता बहुत है। जैसा उम्र बढ़ते बढ़ते जाएंगे आपका लाइट देखने की क्षमता कम होगा, इसलिए तो हम उसको ध्यान पे रखते हुए धीरे से रात के टाइम पे धीरे से जाना चाहिए। अगर जैसा दिस जस्ट इंफॉर्मेशन, अगर जिस कैटरैक्ट उसको आई का दृष्टि में कुछ दिक्कत है तो वो बंदा ऐसी देखेगा, मतलब उसको कैटरैक्ट है तो वो पूरा देखेगा भी नहीं। उसका दूसरा क्योंकि वो जो पेरिफेरल लॉस होता है मतलब वो ओनली सेंटर में ही देखता है, साइड पे नहीं देखता। एंड कुछ लोग का बीच में देखने की क्षमता नहीं होता, बट ओनली साइड साइड पे देखने का क्षमता होता है, मतलब ऐसे ही हो तो तुरंत वो लोग जाके आई टेस्ट कराना है, उसको वो सही सही का ग्लासेस रखना है। इसके द्वारा थैंक यू, मैं जितना प्रयास कर सकता हूँ कर दिया। वट एवर इन जनरल सरल भाषा में बोलने की कोशिश किया मैं, जस्ट अगर किसी को कोई प्रश्न है तो धन्यवाद। धन्यवाद सर। या मैं इसको मेरा प्रेजेंटेशन को मैं अनशेयर करता हूँ ताकि हम देख सकते हैं। या नाउ आई अनशेयर इट, या मेरा स्क्रीन अनशेयर किया, देन कोई अगर किसी को। धन्यवाद डॉक्टर ए मोहन राव जी। एक बहुत सामान्य विषय जिससे हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है उस पर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और कुछ इसमें तकनीकी बिंदु भी शामिल थे जो मुझे लगता है कि हम सबको थोड़ी बहुत जानकारी उसके बारे में भी होनी चाहिए। मैं आप सभी से अब कोई अगर आपका प्रश्न हो, कोई शंका हो इस विषय पर, तो आमंत्रित करता हूँ उनको, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे निराकाश के बहुत सारे साथी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और क्योंकि सभी का कार्यक्षेत्र भी अलग है,
लेकिन जैसा कि इस कार्यक्रम के आरंभ में भी बात आई कि ये जो सड़क पे चलना और सड़क पे सुरक्षित सफर करना, ये हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन की रक्षा से भी जुड़ा हुआ है। तो कोई भी ऐसी बात जो आप यहाँ पे आपस में चर्चा करना चाहें? ये संजय जी, जी बताइए। जी जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, खासतौर पे जो हमारे अतिथि हमसे जुड़े हुए हैं सबको नमस्कार। मोहन राव जी को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, इनका व्याख्यान मैं शुरू से सुन रहा था और सबसे जो अच्छी चीज़ें लगी, एक तो जो तकनीकी जानकारी इन्होंने दी वो पूर्णतः अपने आप में एक पूर्णतः एक SOP है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, और इसका पालन अगर करेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव होगा। लेकिन जो इस व्याख्यान की एक खासियत रही, शुरू में इन्होंने दिखाया और एक टीम भावना पूरी उसमें प्रदर्शित की कि प्रेजेंटेशन को बनाने में किसका किसका सहयोग हुआ, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत था। और मेरे ख्याल से जो हमारे युवा साथी जुड़े हुए हैं उनके लिए एक सीखने का वो भी है कि आपका टीम लीडर जाता है लेकिन टीम को अगर श्रेय देता है तो टीम में जो काम करते हैं उनका उत्साह काफ़ी बढ़ जाता है। मोहन राव जी ने शुरू किया था कि भाई मेरी भाषा की सीमाएं हैं और मेरे सरल भाषा में जैसा मुझसे बनेगा उसको द्वारा मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा, लेकिन मैं जब उनका व्याख्यान पूरे तरह से सुना तो मैं उनको बधाई देता हूं। मेरे ख्याल से इस बहुत अच्छे व्याख्यानों में से एक आपके व्याख्यान को अगर मेरे को रेटिंग देना हो तो मैं दूंगा, क्योंकि जो विषय आपने पकड़ा, और ये विषय क्या रहता है कि जनरली आप किसी को सिखाने की कोशिश करते हैं सड़क सुरक्षा के रिस्पेक्ट में, तो जो आपका व्यवहार था, जो शैली आपने अपनाई, अगर यही शैली मेरे ख्याल से जो फील्ड में काम करते हैं खासतौर पे जो हमारे पुलिस वाले भाई साहब हैं, अगर वो लोग इसको अपना लें तो मेरे ख्याल से इसका असर जो है दुगना हो जाएगा। आपके भाषा में सरलता के साथ साथ एक प्यार भी था, एक अनुरोध भी था, और कहीं पे भी ऐसा कड़ाई का वो नहीं था, तो ये मैं आपको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा आपका व्याख्यान रहा, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी गहरवार जी के बहुत अच्छा उन्होंने समअप किया एक कह सकते हैं। अब कोई शंका आप में से कुछ भी यहाँ पर अपना रखना चाहें, क्योंकि समाधान भी आपको तुरंत मिल जाएगा। मुझे लगता है कि आप ने इस चीज जो हम बात कर रहे थे उसको पूरी अच्छी तरह से समझा होगा, क्योंकि ये हम रोज इसको देख रहे हैं सड़कों पर चलते हुए। तो बाद में भी आपके मन में कोई भी प्रश्न आए तो उस प्रश्न का हमारे संस्थान की ओर से स्वागत रहेगा। अभी जो आज का विषय था और उसके विशेषज्ञ थे, सब कुछ हमारी बहुत उपयोगी है और इस बारे में उतनी ही उपयोगी जानकारी भी हमें आज के इस सत्र में मिली, इसके लिए डॉक्टर ए मोहन राव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय जी, प्रकाश सिंह हैज सम क्वेश्चन रेज हैंड। जी प्रकाश पूछिए। प्रकाश सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सर आवाज सुन पा रहे हैं आप मुझे? या सुन पा रहे हैं सर। मेरा सर एक सुझाव है कि मतलब जैसे कि नियम तो बहुत सारे हैं और नियमों के बारे में हम सब जानते भी हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जब कभी भी रोड एक्सीडेंट होता है और तो हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं साइड से, अगर मतलब अनदेखा करके, हम या तो हम बहुत बिजी होते हैं और या तो हम अनदेखा करके निकल जाते हैं। हो सकता है कि अगर हम लोग मदद करें तो उस व्यक्ति की जान बच सके, लेकिन पुलिस के डर की वजह से कि वो हमें परेशान करेंगे, मतलब ऐसे 3-4 घटनाएं मेरे साथ हुई हैं। मैंने तो कई बार कोशिश की है कि हाँ सहयोग हो, लेकिन सब लोगों का अगर मतलब जो अंदर नैतिकता होनी चाहिए कि अगर कोई एक्सीडेंट से पीड़ित हैं तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाएं या एटलीस्ट आप एम्बुलेंस को कॉल कर दें या पुलिस को कॉल कर दें, लेकिन मतलब परेशान होने के डर से हम लोग ये करते नहीं हैं, तो इससे भी दुर्घटनाओं की संख्या में ज़्यादा वो बढ़ोतरी हो रही है। मतलब इसे हम सेव कर सकते हैं, उसे हम सेव नहीं कर पा रहे हैं। क्या बिल्कुल सही बोल रहे, क्योंकि वो मैं वो जोड़ना चाहिए था, एक सरकार एक नियम है लॉ सब में रिटन, मतलब आप कोई दुर्घटना में बाधित को उनको हॉस्पिटल ले गए तो पुलिस आपको कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। अब लॉ बदल गया, नया लॉ आ गया,
उसके तहत अगर जो बंदा उसको हॉस्पिटल ले आ रहे उनको ये पूछताछ वो पूछताछ नहीं करेगा। इवन अभी मिनिस्ट्री में हम लास्ट वीक को गए थे, वो बोल रहे थे इवन कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर दुर्घटना बाधितों को भी वो कर रहे हैं। अभी वो नहीं है, अभी है ला आ गया एंड इसके ऊपर बहुत प्रचारित भी हो रहे हैं, अब निश्चिंत होके उनको मदद कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। ठीक सर, धन्यवाद, थैंक यू जी। अभी धन्यवाद आपके प्रश्नों के लिए। और स्वाभाविक सी बात आती है कि हर जगह कहीं ना कहीं हमारा अपना व्यवहार सबसे प्रमुख हो जाता है। अगर हम सड़क पर चलते समय सावधान रहें, सुरक्षित चलें और लोगों को सुरक्षित चलने के लिए प्रेरित करें, तो शायद ये जो फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा मदद करेगा सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने में। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डॉक्टर मोहन राव जी का तो धन्यवाद है ही। हमारे जितने भी दिल्ली स्थित अलग अलग कार्यालयों के साथी जुड़े हुए हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आपसे अनुरोध रहेगा कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में आपकी क्या राय है, क्या विचार है, और आपको जैसा कि अभी हमारे गहरवार जी ने कहा कि रेटिंग की बात आती है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं या फिर अपना खुल के बेबाक इसके बारे में विचार रख सकते हैं। आपके सामने अभी एक दो ईमेल आईडी भी है, अगर आप सड़क सुरक्षा से संबंधित कोई प्रश्न रखना चाहें तो भी आप उसको ईमेल पे भेज सकते हैं और ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। और अगर इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी कोई सुझाव देना चाहें, कोई विचार देना चाहें, प्रतिक्रिया या फीडबैक देना चाहें तो उसका भी स्वागत है जी। आपको नजर आ रही है ये ईमेल आईडी संजय सर, ये पीपीटी हमें प्राप्त हो सकता है क्या? जरूर, अगर कोई भी हमारे साथी संस्थान के साथी हमारे जो भी जितने भी प्रतिभागी हैं सभी अगर अपना ये अनुदान किसी से भी प्राप्त होता है सभी तक हम ये कोशिश करेंगे कि उनको ये पीपीटी साझा कर सकें। और अभी आप ईमेल आईडी भी देख रहे हैं, आप इस ईमेल आईडी पर भी अपने सुझाव, अपना अनुरोध, अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आप जितने भी हमारे साथी दिल्ली के अलग अलग कार्यालयों से, संस्थान से और देश के अलग अलग भागों से जो प्रयोगशालाएं हैं वहां से इस कार्यक्रम में शामिल हुए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और आशा करते हैं कि हम ऐसे ही किसी और उपयोगी विषय को लेकर फिर किसी मंच पे आपस में चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और एक और लाभदायक और उपयोगी सत्र का हम उसका आयोजन कर पाएंगे। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शेयर करो।